हेलो दोस्तों, तो आज ये हमारा एक्सेल ट्यूटोरियल का 7वां वीडियो है। और सॉरी, 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाला क्योंकि थोड़े ट्यूशन में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से हमने वीडियो नहीं डाला। तो आज हम देखने वाले हैं नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और नंबर फॉर्मेटिंग देखते हैं कि नंबर फॉर्मेटिंग है क्या। आपको, आप जब एक्सेल के होम टैब पे आएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा एक नंबर नाम के ग्रुप है। ठीक है, जैसे इस तरह क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, उसी तरह से एक आपको नंबर नाम के आपको एक ग्रुप मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, नंबर पे सबसे लास्ट में ये आपको मिल रहा है यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट। इस पर आप क्लिक करिए और ये आपको ओपन होकर आ गया फॉर्मेट सेल। इसी को हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। इसे आप दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप नंबर ग्रुप के आप लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट में आपको एक तीर का निशान दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एरो का निशान दिख रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप नंबर फॉर्मेट ओपन कर पाएंगे। तो ये हमने नंबर लिया, तो हम यहाँ नंबर पे आते हैं। आप देखिए नंबर पे यहाँ पर कई सारे सिंबल दिख रहा है नेगेटिव नंबर्स में। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर है, कुछ पॉजिटिव नंबर है। तो पहला वाला है जो, तो ये बाई डिफॉल्ट वाला है। अब इसमें क्या है, दो सिंबल हैं, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल प्लेस है। अभी देखो 456 है, इसके बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट एक भी नहीं लगा हुआ है। यदि हम दो डेसिमल पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, 3 ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ सैंपल पर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अभी तो हम दो ही रखते हैं, चलिए 2 रख के ओके करके देखते हैं। और देखिए क्या है, सबके अंदर क्या है, 2 डेसिमल पॉइंट लग के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हम नंबर फॉर्मेट को ओपन करते हैं। नंबर पर आके मैं सेकेंड वाला को चूज करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो भी आपके नेगेटिव नंबर है वो का रेड कलर में आ जाएगा। देखिए ये देखिए, जो नेगेटिव नंबर है उसमें नेगेटिव का साइन रिमूव हो गया और वो क्या होता है, रेड कलर में आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप थर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपका रेड भी हो जाएगा और नेगेटिव पॉइंट भी आपका दिखेगा, नेगेटिव साइन भी दिखेगा। और देखिए वो नेगेटिव साइन हो गया, रेड कलर में दिखेगा। अगली जो है, सॉरी ये वाला है, इसमें क्या है, आपका नेगेटिव साइन भी आ जाना है और रेड कलर पे भी दिखेगा, ठीक है। ये देखिए वो नेगेटिव साइन भी आ रहा है और वो रेड कलर में भी दिख रहा है, ठीक है। आपको इसको पहले जैसा करना है, तो क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है और जनरल पर क्लिक करके ओके कर देना है। देखिए बाय डिफॉल्ट पहले जैसा हो गया। अब हम करेंसी का देखते हैं, इसके लिए हम इसी को डाटा कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। क्या करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और फिर कंट्रोल वी से आप इसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर से आपका नंबर फॉर्मेट ओपन करना है। इस बार हमें करेंसी देखना है, करेंसी पे आएंगे और देखिए यहाँ पर क्या, करेंसी का सिंबल लगा हुआ है, रुपीज़ का सिंबल, ठीक है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट भी है, 2 है, ठीक है। पहले वाला पे क्लिक करके ओके करते हैं, देखिए सब में क्या है, डेसिमल पॉइंट आ गया और जो निगेटिव वाला वैल्यू था वो रुपीज़ का सिंबल के पहले आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो फॉर्मेट है इसकी वो है रेड। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रेड कलर में शो हो गए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्या है, अगला क्या है, जो भी इसमें आपका कलर है, नेगेटिव नंबर है वो आपके क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस में आएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर ही शो करेगा वहाँ पर उसमें क्या होगा, ब्लैक कलर में ही शो करना है, उसमें कोई रेड कलर फॉर्मेटिंग नहीं आने वाला है। लेकिन जो माइनस का निशान है वो रुपीज़ के सिंबल के बाद में लगने वाला है, ठीक है। क्लिक कर देखिए, रुपीज़ का सिंबल है वो उसके बाद में लग रहा है। अगली फॉर्मेटिंग इसमें देख लो, इसमें क्या, रुपीज़ के सिंबल के बाद अगर नेगेटिव साइन आएगा उसके बाद आपका जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में आ जाएगा, नेगेटिव नंबर है, देखिए, ठीक है। फिर से यदि इसको जनरल करना है, पहले जैसा करना है, तो फिर से भाई आपको इसे जनरल कर देना है, ये देखिए। अब क्या है, आपको अकाउंटिंग देखना है, अकाउंटिंग वाली फॉर्मेट देखना है। फिर से इसी डाटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर दिया और हमने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर से नंबर फॉर्मेट ओपन करते हैं, ठीक है। और इस पर क्या है, आपको अकाउंटिंग में जाना है, अकाउंटिंग पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर सिंबल आप ले सकते हैं, और भी किसी और भी कंट्री का आपको सिंबल चाहिए रुपीज़ का तो आप ले सकते हैं। मुझे इंडियन ही चाहिए तो मैंने इंडियन ले लिया था, ठीक है, ठीक है। सर ये ढूंढने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हिंदी वाला ही ले लेते हैं हम, ठीक है। मैंने हिंदी वाला ले लिया और ओके करा दिया, ये देखिए। देखिए करेंसी और अकाउंटिंग में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। करेंसी में क्या है आपका, कि जो रुपीज़ का सिंबल जब आप करेंसी पर लगाते हैं, ठीक है, तो
पास में ही उसके साथ साथ क्या होता है, पहले करेंसी सिंबल होता है और फिर उसी के साथ में आपका नंबर लिखा होता है। बल्कि अकाउंटिंग में क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में लेफ्ट सेल के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपका अकाउंटिंग का फॉर्मेट आ जाता है और जो जो आपका नंबर है डिजिट लिखा गया वो राइट साइड में आ जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। बाकी दूसरा डेट है, आप जो भी डेट लिखना चाहें वो डेट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डेट लिखा, ठीक है, नंबर फॉर्मेट पर आते हैं। डेट पे जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए अलग अलग टाइप के इसमें फॉर्मेट मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, आप इसमें जो फॉर्मेट चाहें उस फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए हम लॉन्ग फॉर्मेट ले रहे हैं, देखिए ओके किया तो ये लॉन्ग फॉर्मेट अभी विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि कॉलम का विड्थ छोटा है, इसको बड़ा कर लीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाने हैं। ठीक है, ये देखिए वाली फॉर्मेट 4 मई 2023 ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं, देखिए पहले डे ईयर आ गया, फिर मंथ आ गया, फिर डे आ गया, तो आप इसे इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह टाइम का भी है, यदि कोई आपको टाइम देना है तो उस तरह से टाइम का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब टाइम के फॉर्मेट पर जाएंगे तो देखिए टाइम के लिए भी आपको वैसे ही मिलना है, ये देखिए अलग अलग फॉर्मेट यहाँ शो हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो टाइम के लिए सारे फॉर्मेटिंग है तो टाइम के लिए कर सकते हैं। अगला क्या है, परसेंटेज के लिए, जैसे ये मैंने डाटा देख दिया, ठीक है, सिलेक्ट कीजिए, नंबर फॉर्मेट पे जाएं, जब परसेंटेज पे जाएंगे, ठीक है, और जब आप ओके कीजिएगा, इसको परसेंटेज जाने का ओके कीजिएगा, देखिए क्या हो गया, जो 45 था वो हो गया 4500.00%। क्या करता है परसेंटेज वाला फॉर्मेट, क्या करता है कि आपके जो भी डिजिट होंगे, नंबर होंगे, तो उस डाटा को क्या करता है कि 100 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और साथ में परसेंटेज का सिंबल लगा के दे देता है। ठीक है, फिर से हम ओके ओपन करते हैं नंबर फॉर्मेट, नीचे आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए आप ये पढ़ पाएंगे इसको, ठीक है, परसेंटेज फॉर्मेट मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाई 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विथ अ परसेंटेज सिंबल। जितने भी आपका परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है, वो पहले उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद में आपको परसेंटेज का सिंबल लगा के देगा। दूसरी तरफ फ्रैक्शन है, जैसे मैंने 45.5 दिया, ठीक है, 32.5 दे दिया, अब मुझे इसके फ्रैक्शन के रूप में लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फ्रैक्शन वाले पे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फॉर्मेट मिल रहा है, जैसे मैं पहले वाला लेता हूँ, ये देखिए 1/2 दिखाना है तो देखिए 1/2 में दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसको फॉर्मेट में लगा के देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं साइंटिफिक, टेक, स्पेशल, कस्टम, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।